नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है उल्लू के तिब्बी और रूहानी फ़ायदे। उल्लू को अगर ज़िवा कर दिया जाए तो उसकी एक आंख खुली रहती है, उसकी एक आंख बंद हो जाती है। खुली हुई आंख की खसूसियत ये है कि अगर इसको अंगूठी के नक के नीचे रख दिया जाए तो इसका पहनने वाला जब तक इसे उतार ना दे बराबर जागता रहेगा। और दूसरी आंख की खसूसियत इसके बरक्स है। इसी तरह अगर किसी उल्लू का दिल सोने की हालत में किसी औरत के बाएं हाथ पर रख दिया जाए तो उस औरत ने दिन में जो काम किए होंगे वो बता देगी। किसी बड़े उल्लू का दिल भेड़िए की खाल में लपेट कर अगर कलाई में बांध लिया जाए तो बांधने वाला कीड़े मकोड़ों और डाकुओं से महफूज रहेगा और किसी जालिम से भी इसे खौफ महसूस ना होगा। अगर उल्लू की चर्बी पिघलाकर आंख में लगा ली जाए तो रात को सख्त अंधेरे में भी हर चीज़ नज़र आएगी। ये बात याद रखनी चाहिए कि उल्लू का गोश्त दिल और दिमाग को नुकसान देता है और इसका गोश्त खाने से आदमी पागल हो जाता है। अगर किसी को लकवा हो गया तो उल्लू को ज़िबा करके फौरन ही इसका दिल लकवा ज़दा जगह पर लगाना मुफीद है। अगर उल्लू के खून को किसी भी तेल में मिलाकर सर में लगाएं तो उसी वक्त तमाम जुएं मर जाएं। उल्लू की काल और उसके पर पुर्जे सिफली अमल में बराए जादू इस्तेमाल किए जाते हैं और इनके ज़रिए जादू की काट भी होती है। मुझे उम्मीद है कि उल्लू के तिब्बी और रूहानी फ़ायदे आपकी समझ में आए होंगे।